नेक्स्ट uh, क्वेश्चन 2018 नीट का सवाल है इट सेज इफ मास ऑफ द सन वर टेन टाइम्स स्मॉलर एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वर टेन टाइम्स लार्जर इन मैग्नीट्यूड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है नॉट करेक्ट uh, पहला है रेनड्रॉस विल फॉल फास्टर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड डिक्रीज एंड चौथा ऑप्शन है जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज नाउ इसकी अगर हम इसमें छोटे से आपके फंडामेंटल पे ये सवाल है आपने को ये पता है कि जी की वैल्यू होती है जी एम बाय आर स्क्वायर नाउ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जब हम जी की बात कर रहे हैं ये अपना अर्थ है इस पर हम छोटे जी की बात कर रहे हैं विच इज़ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे जो अपना आर है दट इज़ आर ई और ये जो मास है मास ऑफ अर्थ है इसमें मास ऑफ सन का कोई लेना देना एज इज नहीं है हालाट right? वो होएगा कि अर्थ और तो सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो जाएगा दैट्स अ सेपरेट सिनेरियो पर जी का इससे कोई लेना देना नहीं है नाउ इस केस में क्योंकि अपना कैपिटल जी की वैल्यू टेन टाइम्स हमने हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानी है कि टेन टाइम्स हो गई है तो अपना जो नया जी आएगा दैट विल बी जी डैश विल बी इक्वल टू टेन जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा जी एम आर ई डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर सो दैट विल बी टेन टाइम्स जी इट सो right. so, अपना जो नया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया वो ओरिजिनल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जिस की वैल्यू हम 9.8 या 10 लेते हैं वो आपका 100 या 98 हो गया है ना उसने नैरियो में अब हम देखते हैं इन चारों सवालों के आंसर क्या होंगे इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन है रेन विल फॉल फास्टर अगर जी की वैल्यू टेन टाइम्स हो चुकी है हंड्रेड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सोलेशन है तो आपकी रेन ड्रॉज बहुत जल्दी जल्दी गिरेंगी सो तो स्टेटमेंट ट्रू है सेकेंड स्टेटमेंट है कि वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट ये स्टेटमेंट भी ट्रू है बिकॉज आपके जी की वैल्यू अगर टेन हो गई तो स्टेप बाय स्टेप लेके चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा नेक्स्ट uh, है टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ वुड डिक्रीज अगर अपना टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड होता है टू पाई अंडर रूट एल बाय जी और ये जी डैश क्योंकि टेन टाइम्स हो गया है तो टाइम पीरियड वुड डिक्रीज तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है चौथा uh, स्टेटमेंट है जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज नाउ ये स्टेटमेंट गलत है एंड हैंस ये आपका राइट right आंसर है सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन